अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सिंगापुरियन राइस, जो कि खूबसूरत भी और बहुत ही मज़े के भी। तो इसके लिए मैं फ़र्स्ट स्टेप में चिकन तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और मैंने 2 लहसुन के जवे लिए हैं, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और इस ऑयल में मैं लहसुन डालूँगी और इसको बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करूँगी। मैंने तकरीबन 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और उस चिकन को मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में काट लिया है। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप इसको बड़ा छोटा काट सकते हैं। तो अब इस लहसुन में मैं ये चिकन डाल दूँगी और इसे अच्छा सा फ्राई करूँगी। इसको मैं तकरीबन 3 स्टेप्स में बनाऊंगी, चिकन बनाऊंगी और फिर सब्ज़ी और नूडल्स और फिर लास्ट में चावल। तो इस चिकन को मैं तब तक फ्राई करूंगी कि इसका कलर जो है वो पिंकिश जो ख़त्म हो जाए। हाँ, और ये देखें फ्राई हो गया चिकन और इसका कलर भी चेंज हो गया। तो अब मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी। मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला है और 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है, और ये लाल मिर्च कुटी हुई 1/2 टीस्पून, और 1 चम्मच मैंने भरकर सिरका इसमें डाला है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाली है, और यही मसाले मैंने डालने थे। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नमक और मिर्च को आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इस चिकन का टेस्ट जो है वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। अभी इस चिकन को मैं ढाँप कर तो लो हीट पर पकने के लिए रख दूंगी। और दूसरी साइड पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी, और मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर उसको इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है। और थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करूंगी, ब्राउन नहीं करूंगी, और साथ में इसमें सब्ज़ियाँ ऐड कर दूँगी। सब्ज़ियों में मैंने 1 कप बंद गोभी ली है और उसको मैंने इस तरह से बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। तो अभी मैं इसमें सब्जियां डाल दूंगी। ये मैंने बंद गोभी डाली है, 1 कप मैंने बंद गोभी ली है, और थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च ली है, तकरीबन 1 शिमला मिर्च का 1/4 हिस्सा है या थोड़ा सा ज़्यादा। 1 गाजर मैंने ली है, और 1 ही मैंने येलो शिमला मिर्च ली है। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं। मैं इसको सोते करूंगी, और हीट जो है मेरी हाई पर है। मैंने इसमें मसाले डाले हैं, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है, 1/2 टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सोया सॉस ली है, और 1 टीस्पून मैं इसमें सिरका डालूंगी। यानी कि लाल मिर्च को छोड़कर बाकी सारे सेम मसाले मैंने इसमें डाले हैं। और ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा और ये कम कर सकते हैं। तो इसको मैं हाई हीट पर सौते कर रही हूँ, और साथ में मैंने इसमें एग नूडल्स डाल दिए। ये मैंने 1 कप एग नूडल्स लेकर उनको बॉईल करके रख लिया था, और अब मैंने नूडल्स इसमें डालकर अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है। और हीट को आपने इसमें कम नहीं करना, वरना ये सब्ज़ी पानी छोड़ देगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो आपने हीट को हाई पर ही रखना है और इसको साथ साथ चलाते रहना है। और तकरीबन मैं इसको 2-3 मिनट तक और सौते करूँगी। और ये लास्ट में मैंने इसमें हरी प्याज शामिल की है, इसको मैं थोड़ा सा और मिक्स करूँगी।
ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी और ये एक दो मिनट के बाद ही मैंने हीट को ऑफ़ कर दिया है और ये बिल्कुल तैयार है। वापस चिकन की तरफ आते हैं और ये चिकन भी मेरा तैयार है, बिल्कुल पक चुका है। तो अभी लास्ट स्टेप जो है वो इसका, इसमें मैंने केचप ऐड करना है। तो मैंने इसमें 4 बड़े चम्मच केचप के डाले हैं और मैं इसको मिक्स करूंगी। आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें कोई सी भी हॉट सॉस भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है, या चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं। और अभी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1 कप का 1/4 हिस्सा मैंने इसमें पानी डाला है। और अब थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊंगी और ये तैयार हो जाएगा। मैंने इसको लो हीट पर ढांप कर पकने के लिए रख दिया है और ये बिल्कुल थोड़ा सा टाइम और लेगा। कुछ ही मिनट के बाद ये चिकन बिल्कुल तैयार है और ये जो मैंने पानी डाला था उसके साथ थोड़ी सी इसकी सॉस भी बन गई है। सो ये रेडी है। तो थर्ड स्टेप में मैंने चावल बॉयल किए थे और ये देखें, मैंने 1 प्याली चावल जो है उनको बॉयल करके रख लिया था। चिकन भी मेरा तैयार है और ये सब्ज़ी और नूडल्स भी। और लास्ट जो काम है वो है असेंबल करना। तो मैंने डिश ली है और अब मैं इसमें ये सारी चीज़ें डाल दूँगी। तो सबसे पहले मैंने बॉयल चावल डालने हैं। एक प्याली ही मैंने चावल लिए थे, 1 प्याली नूडल्स और 1 प्याली ही चिकन। अब इन चावलों को मैं डिश में बिछा दूंगी। और मज़े की बात यह है कि ये डिश बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसके बड़े लाइट से स्पाइसेस हैं और वो भी शौक से खा लेते हैं। तो मैंने चावल बिछा दिए हैं और सेकेंडली अब मैंने इस पर सब्ज़ी और नूडल्स डालने हैं। आप एग नूडल्स की जगह इसमें, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप स्पैगेटी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सा जायका इसका होगा कि आप चावल भी साथ में, साथ नूडल्स, सब्ज़ी और चिकन भी, तो आपके हेल्थ बेनिफिट भी सारे मिल रहे हैं आपको और टेस्ट भी। तो इस तरह से मैं सारे नूडल्स इसके ऊपर बिछा दूंगी। आप एडिशनल इसको किसी भी सॉस के साथ खा सकते हैं या सिर्फ केचप के साथ भी आपको बहुत मज़े के लगेंगे। और थर्डली इसमें मैं ये चिकन ऐड कर लूँगी। इसकी सॉस बनाने के लिए आप 4 टेबलस्पून मेयोनीज में 2 टेबलस्पून केचप और 1 टेबलस्पून कोई भी हॉट सॉस डालकर मिक्स करके उसको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं या सिर्फ आप केचप भी इसके ऊपर डाल के खा सकते हैं। तो ये आपके टेस्ट पर है। तो ये मैंने चिकन इस पर डाल दिया है और सबसे लास्ट लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो है इसका तड़का, जो कि इसको बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका देगा। मैंने 2 लहसुन के जौं को स्लाइसेस में काट कर 2 टेबलस्पून ऑयल में फ्राई करना है और इनको मैं अच्छे से फ्राई करके बड़ा अच्छा सा इनका गोल्डन कलर चाहिए और इनको मैं साथ साथ चम्मच से हिलाती रहूँगी ताकि ये इवनली इनका कलर आए।
राइस आप घर में बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसे लगे हैं, और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक किया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और ये लहसुन जो है अच्छे से ब्राउन हो गया, तो अब मैं ये तड़का चावलों के ऊपर डाल दूंगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त से सिंगापुरियन राइस तैयार हैं। मैं इनको हरी प्याज के साथ गार्निश करूंगी, और मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा केचप डाला है। अपना बहुत सा ख्याल रखें और रेसिपी को ट्राई करें और इन्जॉय करें। अल्लाह हाफिज़।